राइट साइड रहेगा। आपके लेफ्ट साइड ये वापस यहाँ पे मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ वो 2015 या 2016 क्योंकि वो हमेशा कैरी ओवर होता है। बट आई थॉट वी हैड सम ग्रेट फिल्म्स यार। आई मीन फ्रॉम डज रेस काउंट इन दिस? या सो या दैट्स बीन वन ऑफ माय फेवरेट्स। पिंक एंड नाम शबाना विच आर एक्चुअली तापसी फिल्म्स, दे've बीन वेरी नाइस। You know, those were two films that I really enjoyed. I think it's been a great year of lineup. I'm looking forward to voting actually, and meri koi film nahi hai isme. So I'm just really excited and giving a full thumbs up and bucks to my friends and my co-actors. I recently saw Badrinath. I thought that was a brilliant film. Dear Zindagi also, we've had a great run. I think there's been a big change in cinema also. Ki kafi bahut badi badi filmein nahi chali hain, and I think the great content is really working. Also right now Vikramaditya Motwani's film came, and I haven't seen it yet. Raj's film, which I congratulated them, but I'm really looking forward to seeing it. I think वो लोग अभी travel कर रहे हैं शायद, yeah with the film. So yeah. Recently आपकी picture viral हुई थी Michael Jackson की Hollywood के साथ, आपकी और Richa Chaddha, तो कौन सा Hollywood project करने वाले हैं? Richa भी है क्या उसमें? I can't say much about it right now. बहुत ही early stages हैं. Yes, we did meet and it was quite iconic क्योंकि Paris is she's really interested in India and इट वॉज़ फनी क्योंकि उन लोग को उतना अंदाज़ा नहीं था जितना माइकल जैक्सन का कितना बड़ा यहाँ पे फैन बेस है। तो मैंने कहा कि दो नाम जो मतलब साथ में एको करते हैं, विलेजेस में भी लोगों को पता होंगे, वो गांधी जी और माइकल जैक्सन। चाहे दुनिया पलट जाए, गवर्नमेंट चेंज हो जाए, लेकिन ये दो नाम कभी नहीं बदलते। सो आई थिंक दैट वॉज क्वाइट आइकॉनिक दैट वी स्पेंड सम गुड क्वालिटी टाइम। या आगे पता चलेगा, इट्स टू अर्ली, इट विल बी अनफेयर फॉर मी। I think I'll do acrobats. I'm not performing. I've been shooting all this year, working on my films. Fukre ki shoot abhi khatam hui hai, so I'm very excited. This year is going to be quite different for me. Thank you for the support. इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें मेरा मैं त्याग दिया गिटार में। I'm done with all guitar. I think Fukre part 2 is from start to finish. Part 1 में क्या था कि हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए थे कैरेक्टर्स, दिस वन यू विल सी द होल स्टेक्स आर ऑलरेडी अप एंड इट्स या फुल ऑन एक्शन यार, इट्स क्वाइट क्रेजी। आई शुडन्ट इवन बी सेइंग दैट बट इसके अलावा जो है फिल्म तो आपने बता दी, लेकिन इस साल जो है बहुत सारे लोगों को नेशनल अवार्ड मिला, जैसे अक्षय कुमार की बात करें, सोनम कपूर जी की बात करें, yeah, तो निर्जा के लिए भी मिला, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब टोटली डिजर्व्ड यार, कांग्रेचुलेशंस टू सोनम। आई थिंक शी हैज कम अ लॉन्ग वे। यू नो आई हैव इनफैक्ट आई रियली एंजॉयड निर्जा, आई रियली एंजॉयड हर परफॉर्मेंस, वेरी वेरी सिंपल, वेरी सटल। And you know, you usually see Sonam doing very glamorous stuff, you know, and she's also like the fashioniest of Bollywood. So, and I mean, my heart out to Sonam, but you wouldn't expect to see her in such a, you know, interesting role. So that's awesome. That's great. Akshay Kumar to matlab is. नहीं करना चाहिए हमारी वो तो, दैट्स अ बिट ऑफ अ, इट्स अ कंडीशनिंग जो हमारे देश में ऑलरेडी इनग्रेन्ड है बहुत टाइम पहले से।
वो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आई डोंट नो वी कांट हेल्प इट बट इट्स नॉट यू कांट आल्सो सिट एंड ब्लेम एक्टर्स एट सम पॉइंट एक्टर्स आर आई मीन यस वी शुड बी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आई गेस एट सर्टन टाइम्स पीपल डू सर्टन थिंग्स एंड वी कांट रियली स्टार्ट ट्रोलिंग देम एंड सेइंग कि आप बुरे हैं आई थिंक द प्रॉब्लम इज इन द रूट समवेयर हम लोग को वो डिस्टिंग्विश कहीं करना पड़ेगा ना कि सफ़ेद इज़ नॉट वाइट इज़ नॉट प्योर वाइट इज़ नॉट सपोज टू बी गुड ब्लैक कैन ऑल्सो बी गुड वो आइडिया ही गलत है स्टार्ट से सो आई थिंक या ऑलराइट थैंक यू मेरी मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को कम मौका मिलता है अपना आप लोग चुप करेंगे हाँ ओके वी स्टार्ट अगेन फिल्म इंडस्ट्री की जो फ्रेटर्निटी है उसको वोट डालने का मौका कम ही मिलता है इसलिए मैं हर साल आईफा की वोटिंग में आती हूँ और साल दर साल फिल्मों की क्वालिटी सुधरती जा रही है बढ़िया फिल्में बना रहे हैं इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ के सपोर्ट दिखाना ज़रूरी है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है आई थिंक वो अवार्ड्स इवेंट की तरह होते हैं बट आई थिंक आउटसाइड इंडिया यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ होता है और एक ऐसी जगह होती है जहाँ फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग यू नो दे लेते हैं लूज सब लोग साथ में मिल के बैठ के गाते हैं मुझे ऐसे लोग कुछ मिलते हैं जो हर साल सिर्फ आईफा में ही मुझे मिल पाते हैं तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम आपको
आपके लिए कितना एक्साइटिंग होने वाला है इस साल का आईफा? परफॉर्म करने वाली है कुछ? नहीं नहीं मैं परफॉर्म वगैरह कुछ नहीं करूँगी. अब मुझे अभी फ़िलहाल पता नहीं कि कितना एक्साइटिंग होने वाला है, वो तो जब नॉमिनेशंस वगैरह बाहर आएंगे तो ही पता चलेगा. रिचर्ड के अलावा नेशनल अवार्ड मिला है सोनम कपूर और अक्षय कुमार को, क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील कर रहे हैं? नेशनल अवार्ड ये हाँ अच्छी बात है. आई थिंक सोनम के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस नीरजा में थी तो उनको स्पेशल वो मेंशन मिला. और अक्षय कुमार हर साल एक ऐसा सरप्राइज हिट लेकर आते हैं, जैसे रुस्तम हो या बेबी हो या एयरलिफ्ट, उनका बहुत सालों से एक एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है विच आई रियली एंजॉय. रिचर्ड्स के अलावा आपने सरबजीत किया तो हाल ही में जो कुलभूषण को लेकर जो खबरें आ रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरबजीत की कहानी भी कुछ इसी तरह की. जब भी कोई इंसान प्रिजनर ऑफ वॉर बन के रह जाता है जबकि वो सिविलियन होता है और दो गवर्नमेंट्स की सियासत के बीच में फंस जाता है तो सबसे बड़ी कैजुअल्टी उसमें वो इंसान और उसका परिवार होता है. इसके अलावा आप बोलिए. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? नॉट राइट नाउ, थैंक यू सो मच. एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? यस आई हैव. हां मैम, आप हमेशा वुमेन्स के लिए स्टैंड लेते हैं और आपने फैंटम मूवी के लिए काम, प्रोडक्शन के लिए भी आपने काम किया मतलब मूवी में. हां तो कंगना ने जो एलिगेशन लगाया विकास महल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, तो आप उसके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं? आई एम नॉट अवेयर ऑफ कंगना स्टेटमेंट. आई एम अवेयर कि एलिगेशन है और फैंटम पे नहीं है, विकास बहल पे. हाँ और फैंटम फिल्म में मैंने काम नहीं किया, फैंटम की प्रोडक्शन हाउस में. सो आई एम श्योर दैट द अदर थ्री पार्टनर्स विल फॉलो ड्यू कोर्स और लीगल तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लिया जाएगा. एज फार एज कंगना स्टेटमेंट कंसर्न, आई एम सॉरी वॉज नॉट इन इंडिया तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है आगे. और रिचा जी हाल ही में कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कई जो ग्रुप स्टूडेंट्स रहते हैं वो हमारे जवानों का असॉल्ट कर रहे थे, तो आप कैसे देखते हैं वो वहाँ के जो लोकल ग्रुप्स? ये ना ये मुद्दा आपकी समझ से तो पहली बात बाहर है, दूसरी बात ये पॉलिटिकल एरिना नहीं है तो मैं इस पे कमेंट करके आपको हेडलाइन ही देना चाहती. आपको कुछ जानना है तो मैं ब्लॉग लिखूंगी. जो मतलब बड़े बड़े स्टार्स जो है फेयरनेस क्रीम को प्रमोट करते हैं लेकिन अभय देओल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया फेयरनेस क्रीम को लेकर उसके ऊपर. आप लोग सो रहे थे क्या जब इतने सालों से फेयरनेस क्रीम्स लोग एंडोर्स कर रहे थे? तो तब आप सो रहे थे. अभी एक स्टार ने कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बनाया है तो प्रेस में आप उछाल रहे हैं. आप तब पहले सो रहे थे? कितने सालों से फेयरनेस क्रीम्स इंडिया में चलती हैं? इस सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए. आगे मुझसे तो मैं इनको जानती हूँ, इन्होंने नहीं पूछा. इट्स नॉट अ पर्सनल अटैक ऑन यू बट आई एम आस्किंग द प्रेस इन जनरल, व्हाई डज इट टेक समबडी एल्स टू रेज दिस इशू? व्हाई कांट इट कम फ्रॉम यू? You are responsible media, na? You are the fourth estate. So we, then? We asked every time, if you last time also you interviewed in NDTV. When have I ever endorsed a fairness no, 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 claim? No. Barkha, ma'am always raised this question and media always raised this question. Yes, certain media always does and certain media overlooks it and asks the question when it's already a controversy. Anyway. Okay, we'll do what I came back for, which is the office craft pie. एक जगह पे रख लिया करो तो सब लोग को काम करने लेकर लेगा. तो तुम लोग थोड़ा सा उधर रखना. लोजी पाजी. थैंक यू. बाय बाय बाय. ये साइड ले साइड. तो कितना विजिबल चाहिए? थैंक यू मैम. थैंक यू.